कुछ लोगों में कॉमन कंडीशन बट इतना कॉमन वैसे जनरली नहीं है। पाँव के जो तल है ना उसमें छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं मल्टीपल दोनों पाँव पे, और ये अमूमन उन लोगों में होता है जो फिशर मैन है, जो कि फिशिंग का काम करते हैं, फार्मर्स या मिलिट्री में जो होते हैं, जो आर्मी वाले जो बूट्स लंबे अरसे तक पहनते हैं, या फिर सैलून में काम करने वाली खवातीन, उन उनमें ये कॉमन है। इसमें अमूमन स्मेल भी आती है पाँव से। अब ये जवान है, इसका देख लें आप। ये आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे पिट्स, खड्डे बने हुए हैं पाँव पे, दूसरे पाँव में भी बने हुए हैं। इसको हम पिटेट केराटोलाइसिस कहते हैं। पिटेट केराटोलाइसिस बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के कुछ खानदान हैं जिसमें एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, काइटोकोकस, डर्मेटोफिलस, ये कुछ इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीएज इंजाइम्स, जो कि स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है सोल्स ऑफ फुट पे, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ईट आउट करते हैं। उसकी वजह से ये खड्डे बनते हैं, मल्टीपल पिट्स बनते हैं। ये अमूमन बगैर किसी अलामत के यानी एसिम्टोमेटिक होते, कभी कभार इसमें इचिंग वगैरह होती है। आपको इसमें क्या इशू हो रहा है, इसमें आपको कोई तकलीफ होती है बेटा? हाँ, चलते में क्या हो रहा है? चलते में पाँव दर्द भी करता है पाँव दर्द और करते हैं। ख़ारिश भी करते हैं। अच्छा, ख़ारिश करते हैं। तो पिटेट केराटोलिसिस जो है ना, ये इसमें बैड स्मेल आता है पाँव से, जिसको हम ब्रोम हाइड्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ये हॉट ह्यूमिड फुट इन्वायरमेंट की वजह से रबर शूज़ पहनने वालों को, या जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो, या फिर शुगर के मरीज, हाइपर हाइड्रोसिस के मरीज, उन लोगों में ये कॉमन होता है। इसमें हम अमूमन मरीज को ये कहते हैं कि आप जो है ना फ्रीक्वेंटली शूज जो है चेंज करते रहें, आप जुराब पहने जो कि एब्जॉर्ब करें मॉइस्चर को, नमी को और पसीने को, आप साफ रखें, आप पाँव के तलों पे जो है ना आप एंटी परस्पायरेंट रोल ऑन या स्प्रे वगैरह लगाया करें, और फिर हम ट्रीटमेंट के लिए इसमें मुख्तलिफ टॉपिकल ट्यूब्स देते हैं, जिसमें मुंह पिरोसिन होता है, जिसमें क्लिंडामाइसिन वगैरह होता है। सो ये बड़ा कॉमन कंडीशन है, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। थैंक यू।